नमस्कार, आप देख रहे हैं मिल्खा न्यूज हरियाणा। फिलहाल की बात करें तो हम पहुंचे हैं गांव बवानीखेड़ा में, जहां कांग्रेस के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोकसभा के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी और रामकिशन फौजी और मास्टर सतबीर रतेरा अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। जिस तरीके से मेरे जैसे साधारण परिवार में पैदा हुए कार्यकर्ता का मान और सम्मान किया, मैं साथियों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई कि आप लोगों ने एक ही काम करना है, जोश में होश नहीं खोना, ठीक है। और भाई देखो, इसके एक बात बड़ी सिद्ध साबित होगी, ना जयप्रकाश को टिकट थी, ना दान सिंह को टिकट थी, ना बुद्धि राजा को टिकट थी, ना राज बब्बर को टिकट थी। सबसे पहले तो एक धन्यवाद कर दो हुड्डा साहब का, पहली बार मेरा गला खराब है भाई, पहली बार हरियाणा बनने के बाद किसी BCA को टिकट दी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से राज बब्बर को दी। राज बब्बर बैकवर्ड क्लासेस का है, सुनारा संबंध से, सुनार जाति से संबंध रखता है, पंजाबी। और एक चर्चा चाल लेकर दी, जाट जाट की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी में जात नहीं है, छत्तीस बरादरी की है। देखो कैसे टिकटें बटी, गुजर समाज को, अहिर समाज को, BCA को, शेड्यूल्ड कास्ट को, ब्राह्मण को, और भाई दो जातों को पंजाबी को कह दिया, सही जम गया ना, छत्तीस बरादरी। अब अगला और तोड़ सा कर दूं, रोड़ा रह रहा है भाई। ये जो टिकटें बटी हैं, अगर मुंह देखे टिकमा लगता तो मुझे नहीं मिलनी थी, ये मेरिट पे लगी है, इसलिए लोगों में जोश है। अब की बार हमने मिलजुल के लोकसभा जीतांगे तो विधानसभा की शुरुआत हो। सारे के सारे इस बरात का दूल्हा हूँ मैं, सारे नारे लाओ मेरे के, हुड्डा साहब के, मेरा भाई कोनी काका 12-20 गांव वाला प्रोग्राम करना है जाके। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूं भाई, आज खड़े करके समर्थन कर दो, आज भाई आज खड़े करके चौधरी जय प्रकाश, चौधरी जय प्रकाश। अरे गामा में जाओ, अरे एक मिनट अपने अपने गामा में जाओ, और अपने अपने गामा में यूनिट करके छत्तीस जाति के लोगों को साथ लगा के एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मांगो, आपका बहुत बहुत। फिलहाल की बात करा तो भाई देखे आपने भाषण सुने जयप्रकाश का भाई, तो के लग है बनेगी के बात बनेगी हेलो
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये इलाका इस पर कौन सी सरकार आओगी? देखो भाई साहब, पब्लिक के गला है, पब्लिक जैसा रू जान दे रही है। किसको बैठाओगे, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी को? देखो हम तो सबके लिए बराबर है भाई साहब। हाँ, सारी सरकार हमारे लिए बराबर है, विकलांग के लिए, बुढ़े के लिए, सब बराबर भाई साहब। बाईसाइकिल की बात की जाए या कुछ भी, जो सुविधा मिल रही है आपको सुविधा तो जी पहले वाली सरकार में मिली, माने सर सरकार मारे में ज्यादा सुविधा मिली है या पहले वाली सरकार? पहले वाली में ज्यादा थी सरकार में, कांग्रेस में ज्यादा थी मारी, इनको रुझान नहीं मारा, ठीक है। हमको सबको सरकार हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। मान ली इसमें सरकार में 1.5-2 साल हम ओड बैठे रहे, धरना पर कोई बंदा नहीं आया इस सरकार का, ठीक है। हाँ जी, विधायक भी नहीं आके चला भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। नमस्कार मास्टर। नमस्कार। तो आज आप लोगों ने जो जेपी का स्वागत किया है, तो क्या कुछ कैसी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों? आज बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जी जेपी जी को कम से कम हम 40,000 वोटों से जिताएंगे, और आज जो पुराने पेड़ थे वो सारे उखाड़ दिए। और जिस तरह पुराने पेड़ के दिमक लाग जाग रहे हैं, पड़नो जाग रहे हैं, कई पेड़ पड़नो भी हो रहे, पर बेचारे पत्ते हरे हैं, और पूरे ताकत से पूरे हलके में इतनी भारी बहुमत से जिताएंगे, पूरी सार लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जिताएंगे। जी आज का जो ये प्रोग्राम है, इसको देखकर कैसा लग रहा है, जनता के अंदर कैसा जोश और जुनून है, जो कि सरकार 9.5 साल बीजेपी की रही है, बेरोजगारी का आलम, चाहे किसानों पर लाठीचार्ज, सरपंचों पर लाठीचार्ज, तो इसको किस नजरिए से देखते हो, और कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से इसको कवर कर पाएगी? जनता 25 तारीख की बाढ़ देखे, एक एक वोट पे इस जालिम सरकार का बदला लेगी, और जब जून को जब रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे पूरे 10 के 10 एमपी जीत जाएंगे, और आगे हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बनेंगे, और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जल्दी सरकार आने वाली है। जीत का कितनी अपार खुशी है, जनता से ये अपील है, सबने एक एक वोट बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे जयप्रकाश जेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है, और फिर आगे फिर अपनी ताकत लगानी है, सारे इकट्ठे हो जाओ और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। भाई जय प्रकाश जपी, जिंदाबाद। जय प्रकाश जपी, जिंदाबाद। भास्कर सतवीर रतेरा, जिंदाबाद।